आपको पता है ये गांव वालों की सोच क्या है एक लड़की के रिलेटेड, तो मेरा घर से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो सारे मुझे पीठ पीछे मतलब बातें करते थे कि ना इसके घर वालों ने इसको कौन सा मतलब वे मतलब दिखाया कि आप इसमें जाओ, अपना वे चूज करो। तो मैंने आई वॉज फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। आज आपकी मुलाकात बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने वाली 20 साला सबकत मलिक से कराते हैं, जो मार्शल आर्ट्स में बैनल अकौमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए सबकत मलिक ने कहा कि मेरा सफर उस वक्त शुरू हुआ जब मैं 6 क्लास में पढ़ती थी। मैं पहले ही 10 नेशनल खेल चुकी थी और मैं इस मैदान में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे हाल ही में बैंकॉक में एक बैनल अकौमी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिला, जहाँ खुशकिस्मती से मैं 9वीं पोजीशन पर थी। मैं अगले साल अबू दुबई में मार्शल आर्ट्स में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करूंगी। उन्होंने इस हकीकत पर भी जोर दिया कि जब ख्वातीन को हर शोबे में बाख्तियार बनाया गया हो, फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लड़कियों को जब भी मैदान में निकलते हुए और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो उन्हें ताना देते हैं। जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरे वालिद को ट्रोल किया गया और कहा गया कि आपकी बेटी अपना वक्त जाया कर रही है और कुछ हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन अब ये लोग महज तमाशाई बने हुए हैं। मजीद क्या कुछ कहना था सबकत का, सुनिएगा उन्हीं की जबानी। मैं तब 6th में पढ़ती थी जब मैंने मतलब अपनी जर्नी स्टार्ट की इस मार्शल आर्ट में। मैं तब बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, स्टेट खेला, नेशनल खेले, तो तब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। तो तब से मैं लगातार रही हूँ इस गेम में। तो आज मैं 10 times नेशनल प्लेयर हूँ और मैं रिसेंटली इंटरनेशनल खेल के आई हूँ। मैं जैसे कि मतलब आपको पता है कि मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, नाम है उसका विजहरा। तो आपको पता है ये गांव वालों की सोच क्या है एक लड़की के रिलेटेड, तो मेरा घर से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो सारे मुझे पीठ पीछे मतलब बातें करते थे कि ना इसके घर वालों ने इसको कौन सा मतलब वे मतलब दिखाया कि आप इसमें जाओ, अपना वे चूज करो। तो मैंने आई वॉज फेसिंग अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, तो बट आई नेवर गिव अप। सो वो इसलिए कि फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला कि आपको अगर इसमें जाना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपके कुछ गोल्स है, तो आप जाइए, हमारा आपका मतलब फुल सपोर्ट आपको देंगे, आप लोगों की बातें मत सुनो। तो मैं यही बोलूँगी तब, आप अगर मैंने मतलब लोगों की बातें सुनी होती शायद मैं आज इस लेवल पर नहीं होती, शायद मैं अपना गोल जो है अचीव नहीं कर पाती। तो बेसिकली मैंने लास्ट पे अपने एक ही गेम चूज़ की, जुजुत्सु जिसका नाम है, उसी में मैंने नेशनल्स खेले, स्टेट खेला, इंटरनेशनल खेला। तो अब मैं उसी गेम को मतलब आगे कर रही हूँ, तो मुझे उसी में मतलब अपने आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है फिर एक बार। तो मेरी वही तैयारी चल रही है कि मैं एक और बार अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ किसी अच्छे लेवल पर। मैं एक्चुअली मार्शल आर्ट करवाते हैं यहाँ हाई स्कूल नारियल में। तो सबकत आई मेरे पास, तो उसने देखा ये क्या करते हैं आप ये। मैंने उनको बोला कि मैं मार्शल आर्ट सिखाते हैं यहाँ, तो उसने बोला कि मैं भी करूँगा। मैंने बोला उसको लड़कियों का जगह यहाँ नहीं है। उसने बोला सर आप मुझे एक बार मौका दीजिए सर, मैं भी कर सकता। मैंने उनको बोला कि आप अपने मम्मा पापा के साथ बात करिए, तो कोई बात नहीं। फिर ये आए मेरे पास, तो 2-3 दिन मैंने उसको देखा, मैंने इसके अंदर एक विल पावर देखा, एक मतलब गॉड टैलेंट देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने बहुत ही अच्छा कारकर्दगी दिखाया। तो इंटरनेशनल नेशनल रिसेंटली इंटरनेशनल भी खेलने के लिए गई, तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रही थी।